हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा 8th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग डॉक्टर राम मनोहर अवध यूनिवर्सिटी, जो कि अयोध्या में सिचुएटेड है, फॉर योर अपकमिंग पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो जैसे कि हम टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, आज का हमारा लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च है, जो क्या है, कोरिलेशनल रिसर्च। सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में कंपलसरी 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके डॉक्टर राम मनोहर अवध यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 2 पेपर में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें आपका 30% रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और बाकी का 70% आपका पेपर 2। सो 30% रिसर्च मेथोडोलॉजी को भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो, प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते हो, सो आप आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को इजिली क्रैक कर पाते हो। सो याद रखिएगा, आपके लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। और कई स्टूडेंट्स हमारे इसी कंटेंट को फॉलो कर कर अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हैं। और हमारे पास कई स्टूडेंट्स का फीडबैक भी आता है कि आपके इसी कंटेंट को, आपके वीडियो लेक्चर्स को ही हम फॉलो कर कर हमने हमारे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाया। सो याद रखिएगा, हमारे इस कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नज़र आ रहा है, उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल उस नंबर पर नहीं लगेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में हमने आपके लिए हमारे ऐप के लिंक प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमने आपकी प्रिपरेशंस के लिए रिसर्च मेथडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यू पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारे इस रिसर्च मेथडोलॉजी के कोर्स को हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने हमारे इस रिसर्च मेथडोलॉजी के कोर्स में और इस रिसर्च मेथडोलॉजी के कंटेंट में कवर करा है। सो वीडियो लेक्चर्स में हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो आपके सिलेबस में सारे पॉइंट्स हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। उसी के साथ साथ नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट कर कर बताया है। और मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है और आपको पता चलता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है और कितनी और आपको प्रिपरेशन और कितनी और आपको प्रिपरेशन चाहिए। उसी के साथ साथ 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ में हमने जो रिसर्च मेथडोलॉजी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं और हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे इस 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ में कवर करे हैं। सो याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि मैम, नेट पे तो सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो हम ये मटेरियल क्यों लें? तो मैं आपको बता दूं, नेट पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हर जगह से जाओगे, हर वेबसाइट पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। सो हम आपको हमारे इस कोर्स में ये सारा डिटेल में बताएंगे। और हमारा जो रिसर्च मेथडोलॉजी का कंटेंट है, ये काफ़ी प्रिसाइज है, जिससे कि आप कम से कम स्टडी कर कर आपके BBAU यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। सो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है, उस पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको कांटेक्ट करना है। याद रखिए, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। और इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, आप डायरेक्टली वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें कि आपको 1 क्लिक में ही सारा स्टडी मटेरियल देखने मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो गोल ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इज टू, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशनल रिसर्च का एम क्या होता है। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, to solve a specific problem. So here option A is incorrect, because in applied research mein hum koi practical problem ko solve karte hain, or you can say specific problem ko solve karte hain, na ke in correlational research. That's why here option A is incorrect. Then option B, describe the current status of phenomena. So again here option B is incorrect, because in descriptive research mein hum koi bhi
फेनोमेना और टॉपिक के करंट स्टेटस को डिस्क्राइब करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च. दैट्स व्हाई ही ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन सी टू असेस रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स. सो हियर यस ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च का एम होता है कि कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करे. सो हियर रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नेम में ही मीनिंग देख रहे हो. कोरिलेशनल मीन्स कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन. ओके सो यस, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर को कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, कोई भी पास डेटा जो होता है और यू कैन से एग्जिस्टिंग डेटा जो होगा उस डेटा को रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल. ओके सो यहाँ पर रिसर्चर के पास ऑलरेडी डेटा होगा और उस डेटा को रिसर्चर स्टैटिस्टिकल टूल मीन्स जो मैथमेटिक्स टूल से रिलेटेड होगा, जैसे ग्राफ्स और यू कैन से चार्ट्स के थ्रू. सो यहाँ पर रिसर्चर के पास मान लो एक डेटा है जो एक्सरसाइज, यहाँ पर एक वन वेरिएबल है जो एक्सरसाइज है एंड द सेकेंड वेरिएबल इज कैलोरीज बर्न. ओके ये सेकेंड वेरिएबल होगा. सो रिसर्चर के पास ये दो वेरिएबल्स है. सो रिसर्चर ने ये दो वेरिएबल्स और यहाँ पर जो डेटा था दो वेरिएबल्स का, यहाँ पर रिसर्चर ने उस डेटा को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और रिसर्चर ने ये देखा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल. रिसर्चर ने ये पाया कि यहाँ पर जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनमें और दिस इंडिकेट कैलोरीज बर्न. ओके सो जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनकी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न हो रही है. दैट्स व्हाई हियर रिसर्चर ने ये देखा कि एक्सरसाइज और कैलोरीज बर्न ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है. ओके दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च का एम ये होता है कि कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करे. ओके सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू असेस रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल. ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेशनल रिसर्च इज. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है. सो हियर फर्स्ट ऑप्शन नॉन एक्सपेरिमेंटल. यस इट इज करेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी डेटा को एनालाइज करते हैं और उस वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. सो यहाँ पर रिसर्चर को कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता है, एज इट इज जो डेटा है उसी को एनालाइज कर कोई रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना होता है वेरिएबल्स के बीच में. ओके दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज करेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन बी बैकवर्ड लुकिंग. अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च को हम बैकवर्ड लुकिंग रिसर्च भी कहते हैं. सो हियर बैकवर्ड मीन्स जैसे आपको बैकवर्ड वर्ड से मीनिंग पता चल रहा होगा, जो पास्ट इवेंट अकर होते हैं और यू कैन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा होता है रिसर्चर वही कोरिलेशनल रिसर्च में उसी डेटा को यूज करते हैं टू फाइंड दी रिलेशनशिप्स बिटवीन दी वेरिएबल्स. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज अगेन करेक्ट. देन ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल. नो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी का यूज करना होता है. आप यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोरिलेशनल रिसर्च रिसर्चर. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करते. सो हियर ऑप्शन ए इज इन्फ्लुएंस द वेरिएबल, ऑप्शन बी मैनिपुलेट्स द वेरिएबल्स, सी चेंजेस द वेरिएबल्स. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स हियर इन्फ्लुएंस मैनिपुलेट्स एंड चेंज मीन्स तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही होगा कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को क्या मैनिपुलेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं. ओके सो रिमेंबर स्टूडेंट्स कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को ना ही मैनिपुलेट करते हैं, ना ही इन्फ्लुएंस करते हैं और ना ही वेरिएबल्स को चेंज करते हैं. बिकॉज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं और यू कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं. बट कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को ना ही चेंज करते ना ही मैनिपुलेट करते. ओके बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर को जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है वही डेटा का यूज करना होता है. दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर कोई भी वेरिएबल्स को
मैनिपुलेट और चेंज नहीं करते। दैट्स व्हाई योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा फ्रॉम अ कोरिलेशनल स्टडी इज यूजुअली शोन एज अ। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को किस ग्राफिक फॉर्म में शो करते हैं। सो हियर वी हैव ऑप्शन ए स्कैटर प्लॉट, देन ऑप्शन बी पाई चार्ट, देन ऑप्शन सी बार ग्राफ। ओके, सो स्टूडेंट्स हियर पाई चार्ट में हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज पाई चार्ट। देन वी हैव बार ग्राफ, सो बार ग्राफ में डेटा को कुछ ये बार बार में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बार ग्राफ। एंड स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट दिस इज द डायग्राम ऑफ स्कैटर प्लॉट। ओके, सो यस स्टूडेंट्स, कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज स्कैटर प्लॉट के हेल्प से रिसर्चर डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो इस ग्राफ में, जैसे ईयर इंक्रीज हो रहा है, सो लोकल इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हियर रिसर्चर ये फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है, सो सेकेंड वेरिएबल क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो हियर पाई चार्ट और बार चार्ट में आप वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन और डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते, दैट्स व्हाई हियर पाई एंड बार ग्राफ विल नॉट यूज इन कोरिलेशनल रिसर्च। ओके, सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्कैटर प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोरिलेशनल रिसर्च व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन देन इट इज। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में जब टू वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे सो उन्हें हम क्या कहते हैं। सो हियर ऑप्शन ए पॉजिटिव कोरिलेशन। सो पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है सो एंड लंग कैंसर। ओके, सो उनका लंग भी ज्यादा अफेक्ट होगा, मीन्स जो पर्सन ज्यादा स्मोक कर रहा है तो उनमें ज्यादा चांसेस होगा कि उनका उनको लंग कैंसर हो। तो आप देख रहे हो ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन। देन वी हैव ऑप्शन बी नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन जैसे फॉर एग्जांपल जंक फूड एंड हेल्थ। ओके, सो अगर आप जंक फूड ज्यादा आप जंक फूड खाते हो सो आपका आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, आपकी हेल्थ डिक्रीज हो जाएंगे, हेल्थ में कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम होंगे। सो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो यहाँ पर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन। सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन हियर ऑप्शन सी जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन मीन्स अगेन विल टेक एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेस वॉश कर रहे हो एंड अगर आप फेस वॉश करते हो अपना सो क्या आप आपकी क्लास में फर्स्ट आओगे। सो यहाँ पर फेस वॉश और क्लास में फर्स्ट आने से कुछ रिलेशन होगा क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का और सेकेंड वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो कोरिलेशन। यहाँ पर दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं होगा, उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट। सो यस, जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिसर्च शोज दैट द ओल्डर अ पर्सन इज द लार्जर देयर वोकैबुलरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन की एग्जाम्पल होंगी। ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल, ओल्डर अ पर्सन मीन्स जो पर्सन की एज ज्यादा होगी देन देयर लार्जर देयर वोकैबुलरी, मीन्स वोकैबुलरी मीन्स योर यू कैन से नॉलेज ऑफ वर्ड्स। ओके, तो जिस पर्सन की एज ज्यादा होंगी उनकी वोकैबुलरी भी ज्यादा होगी। ओके, सो जैसे आप देख रहे हो दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन।
So this is an example of positive correlation. So here option A is the right answer. Moving on to the next question. Perfect correlation is when correlation coefficient is. So students, इस question में हमें find out करना है correlation coefficient की value क्या होगी जब हम उसे perfect correlation कहेंगे. So यहाँ पर perfect correlation coefficient word is new for you. So correlation coefficient ऐसा coefficient होता है जो measure करता है strength of relationships को. Okay? Strength of relationship between the variables means variables कितने strongly रिलेट कर रहे हैं. सो इस कोएफिशिएंट की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई करती है. सो हियर माइनस वन मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एंड प्लस वन मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन वेयर जीरो मीन्स देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. सो यस परफेक्ट कोरिलेशन हम कब कहते हैं जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई करो. Okay, so here option A is plus 1 means perfect positive correlation. So let's say example, जैसे कोई पार्टी को वोट ज्यादा मिले हैं, so उस पार्टी को विनर होना ही है और वो पार्टी विनर होगी. मीन्स अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को बढ़ना ही है. दैट इज नोन एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. देन वी हैव ऑप्शन बी माइनस वन. So minus one means perfect negative correlation. जैसे for example एक train है और उस train को A से B station move करना है. So अगर train अपनी speed increase करेंगी, so उस train को station B पर जाने के लिए time कम लगेगा. So आप देख रहे हो यहाँ पर कम लगना ही है उस train को station B पर move करने के लिए. So यहाँ पर आप देख रहे हो एक variable अगर increase हो रहा है, so second variable को decrease होना ही है. That is known as perfect negative correlation. So here option B is again correct. Then option C, zero. Zero means there is no relation between the variables. Okay. So here correct option is option D, both A and B. Next question. Which of the following statement is true about correlational research? So students, इस question में हमें find out करना है कि कौन सा option correct है about correlational research. Okay. So here option A. Can demonstrate causation. So students, here causation means cause and effect. Okay, so remember students, correlational research cause and effect relationships describe nahi karta hai between the variables. Correlational research bas relation batata hai between the variables. Okay, this is for example, researcher ne koi city mein ye dekha ki summer mein आइसक्रीम की सेल्स ज्यादा हो रही थी और उसी मंथ में क्राइम रेट भी ज्यादा हो रहा था. ओके, सो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम के ज्यादा सेल्स होने की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम एंड क्राइम रेट. यहाँ पर आइसक्रीम और क्राइम रेट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है. मीन्स एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड भी इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो रहा है. क्या आइसक्रीम की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है? नहीं, हम यहाँ पर कोरिलेशनल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते. सो दैट इज व्हाई कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाय कॉजलिटी और कॉजेशन. ओके, कोरिलेशनल रिसर्च जरूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करे. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन बी इज यूज्ड टू डिफाइन द प्रॉब्लम. सो अगेन ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज हम किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, नॉट इन कोरिलेशनल रिसर्च. दैट्स व्हाई हियर अगेन ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. Then we have option C, the researcher does not manipulate the variables. Yes, it is correct about correlational research because correlational research में researcher past events, जो past data होता है और जो already existing data होता है और जो already data होता है उसी data को use करते हैं to show or to find the relationships between the variables. Okay, that's why here option C is the right answer. Next question.
In an experiment, the researcher manipulates the dash variable and measure the dash variable. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंट और यू कैन से इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और कौन से वेरिएबल को मेजर करते हैं. सो हियर इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं. और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये फाइंड आउट करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और यू कैन से चेंज करते हैं. वेयर एज इन कोरिलेशनल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट और यू कैन से चेंज नहीं करते. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च. सो यस, इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन कोरिलेशनल प्रॉब्लम बोथ वेरिएबल्स आर, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन रिसर्च में जो दोनों भी वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं. सो लेट्स सी ऑप्शन ए इक्वल. नो, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी अननोन. अगेन हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में ऑलरेडी हमारे पास डेटा प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन सी फिक्स्ड. अगेन ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज आप कोरिलेशनल रिसर्च में आप वेरिएबल को फिक्स नहीं कर सकते हो. अगर आप फिक्स करोगे सो वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन डी रैंडम. यस, इट इज करेक्ट. कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स रैंडम होते हैं. और स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च जहां पर वेरिएबल्स रैंडम होते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो स्टूडेंट्स आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इज क्लियर टू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो.